हेलो दोस्तों, प्रणाम। अंकिता ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि काजी नजरुल इस्लाम के बारे में तो हर कोई जानते हैं, जो शिक्षित तो है, पढ़ाई जानते हैं, वो उसको मालूम होना चाहिए। और जो नहीं मालूम है, जिसको वो भी जान ले। तो कवि काजी नजरुल इस्लाम बहुत ही अच्छा कवि थे वो, लेकिन उसकी वो बहुत गरीब था। और उस टाइम बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब उसकी 4 साल के बच्ची थी, उसके नाम थी बुलबुल। तो रात में उसकी मौत हो गए थे, डेथ हो गए थे। तो उसके कफन के लिए, उसके स्नान यात्रा के लिए, देह को गाड़ी में ले जाने के लिए, कब्रिस्तान के जमीन खरीदने के लिए उसको 150 रुपया लगी। अब 150 रुपया उस टाइम कवि काजी नजरुल इस्लाम इतना गरीब थे, उसकी जेब में एक फूटी कड़ी भी नहीं रहते थे, ना एक फूटी कड़ी थे, ना किसी की सहारा थे उसके पास। फिर वो सोच रहे थे मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे को दफनाऊँगी कैसे। फिर वो तो कवि थे, वो लाइब्रेरी में उसकी कविता जाते थे, बहुत से को लाइब्रेरी से उसके लेन देन था। तो सब जगह बहुत से जहाँ जहाँ पे उसकी लाइब्रेरी के उसकी काम थे, लेन देन था, सब जगह पता कर लिया, लेकिन कहीं पे उसकी कोई मदद नहीं मिला। फिर जाके एक DM नाम से एक लाइब्रेरी है, वही से उसको 35 रुपीस मिला। अब 35 रुपीस मिले कि मैं तो उसका कोई काम भी नहीं होएगा। फिर वो सोच रहा है मैं क्या करूँगी, मेरे को 150 रुपये लगे, मेरे बच्चे पड़ा है मेरे सामने में। अब वो गई एक अपने बच्चे देह को घर में छोड़ के वो गया एक प्रकाशक के पास। प्रकाशक के पास जाके कहने लगा, मेरे बच्चे के देह अंतिम संस्कार करना, मतलब देह ये करना है, तो उसके कफन के लिए पैसा नहीं है, उसके कब्रिस्तान के पैसा नहीं है, तो आप मेरे को कुछ पैसा दीजिए। तो प्रकाशक ने उसके कवि काजी नजरुल इस्लाम को साके एक शर्त लगाए कि अगर तुम इसी बात कविता लिखोगी एक तो फिर जाके तुम्हें पैसा मिलेंगे। अब कवि काजी नजरुल इस्लाम उस टाइम उसकी आँख से आंसू निकाल रहे थे, उसकी सीना फट रहे थे दर्द के मारे, उसकी बच्चे बड़े हैं, उसके पैसा के लिए उसके बच्चे के कफन तक नहीं है, क्या करें। फिर वो उस टाइम क्या लिख सकता है, क्या कविता लिख सकता है वो बताइए। कोई भी पिता अपने बच्चे के देह को अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकते उसको। तो फिर वो क्या किया, उस टाइम उसके मन में जो भी आए वही में वो जाके अपना दुख दर्द भरी कहानी में जाके एक तो कविता लिखे, सो गई घोर निद्रा में, सो गई शांत निद्रा में मेरे सुर के बुलबुली। आँख नैन भरी आँख से चांदनी भरे रात के फूल। तो कवि काजी नजरुल इस्लाम तो हम लोग बहुत याद करते हैं। तो आप लोग भी अगर नहीं जानते तो इस बात को आप लोग भी जान सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसके जानकारी ले सकें कि कवि काजी नजरुल इस्लाम जो